subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लॉकडाउन के बाद मस्जिद मंदिर खुलने पर पहला जुम्मा मनाया गया, जिसमें वार्ड नंबर 33 के नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी ने मास्क बांटे, लोगों को सैनिटाइज किया और पुलिस ने भी पूरी तरह नगर सेवक का साथ दिया। देखिए काशिफ जैदी की इस रिपोर्ट में। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज 8 महीने हो चुके हैं मंदिर मस्जिद बंद है कोरोना के कारण, आज पहला जुमा था जो आप जुमा की मस्जिद के सामने जो कि नमाज पढ़ने वाले जो व्यक्ति आ जा रहे थे जुमा के लिए, जो काफी इतने दिनों से परेशान थे, उनके स्वागत में आ जाते हैं, मास्क बांट रहे थे, आपके लोग वहाँ सैनिटाइजर बांट रहे थे या टेस्टिंग कर रहे थे, वो सोचने की आपकी जो वजह है वो क्या वजह रही? हमारे मंत्री असलम शेर जी ने, जो महाराष्ट्र के मुंबई के मंत्री जो है, उन्होंने गाइडलाइन थी कि जो भी हमारे ये जामा मस्जिद के सदर है अजमल भाई, उनको सख्त वार्निंग दी थी क्या बुजुर्ग और बच्चों को मस्जिद में अलाउ नहीं करने का। अच्छा, बुजुर्ग की कैटेगरी किस उम्र से दी गई है और बच्चों की कैटेगरी किस उम्र से? 65 प्लस को बुजुर्ग कहा गया है। और बच्चा किसका उम्र का क्या है? 15 साल के नीचे, 15 साल के कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो मस्जिद में नहीं नहीं जाना जाना नहीं चाहिए ना, उन्होंने अवॉइड करने बोले। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, कमजोर होता है करके है। आज जो दिल्ली में गुजरात में जिस तरह से जो कोरोना फैल रहा है, मुंबई में वैसा कोई वो हालत नहीं है, मुंबई में अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वापस वो दौर में आना चाहिए। जैसे मंदिर मस्जिद अभी खुला तो वापस हम लोग को डर है कि वापस ये दौर नहीं आना चाहिए, तो हम लोग ने हमारे जो मंत्री असलम शेख जी ने बोला ये कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्कता बरतना चाहिए, तो हम लोग ने वहां सैनिटाइज कर दिया है। पहले से हम मस्जिद भी सैनिटाइज हो कर चुके हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग ने हर एक लोग का आपने देखा होगा टेम्परेचर चेक किया, सैनिटाइज हैंड सैनिटाइजर किया, और उन्होंने स्पेशली जिसको अगर मास्क नहीं है उसको मस्जिद में एंट्री नहीं। तो हमारे जामा मस्जिद के जो सदर है उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है तो कैसे करेगा, तो मैं बोला ठीक है मेरे पास मास्क है, अपन मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लोगों ने जो जो जिसको नमाज विदाउट मास्क जिसको मालूम नहीं था बेचारे आ गए, तो उनको मास्क दे के नमाज पढ़वा दी। तो जैसे कि इसके ऊपर आज माननीय असलम शेख जी का एक स्टेटमेंट है न्यूज 18 पे कि छठ पूजा इसलिए नहीं होगी कि लोगों की भीड़ बढ़ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पूजा से भीड़ बढ़ने से कोरोना बढ़ सकते हैं तो मस्जिद और मंदिर जो खोले हैं जो धार्मिक स्थल है तो उसके बारे में, उसको खोल दिया जाए और पूजा को, आप उनका कहने का मतलब नहीं समझे। वो लोग सब छठ पूजा करने के लिए उन्होंने नहीं मना किया, जो छठ पूजा के नाम पे बड़े बड़े पंडाल लगते वो पंडाल नहीं लगेंगे। देखो ना कहीं ना कहीं, देखो हम लोगों ने भी आर्टिफिशियल तालाब बनाया, देखो एक नंबर में समुद्र में लोग अभी भी जा रहे, पूजा करने को मना नहीं किया, जाओ अपना पूजा करके आ जाओ। नहीं, समुद्र को पुलिस ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ, बाकायदा बैरिकेड करके बंद किया हुआ चार हर जगह। हाँ, तो लोग क्या, देखो कैसा एक जो पर्व जो है जो हर साल अपन बहुत इस हर चीज का कैसे होता है, किसी को ये किसी को ये नहीं करेगा, सब जन मना। अभी मंदिर मस्जिद में वैसे भी अभी लोग लिमिटेड जाना चाहिए, तो जो आर्टिफिशियल तालाब उधर लोग जा रहे मना नहीं कर रहे, भीड़ मत हो जाओ क्योंकि उधर समुद्र खुला है, उधर लोग जाएंगे रिटर्न नहीं आते, किसको पुलिस कितने जन को बाहर निकालेगी। इसके अगर तालाब जिधर उधर हो रहा है क्योंकि वो कम जगह है, वहां से लोग को रिटर्न ला सकता है, समुद्र में आदमी जाने पर बोलेगा दूर दूर भागे किसके पीछे लगेगा, इसके लिए वो बैरिकेड लगा दिए, पूजा के लिए मना नहीं कर रहे। जो हर तरह जो लोग क्या करते, कोई संस्था वाले है जैसे अभी बीजेपी वाले बोल रहे क्या पूजा करने नहीं दे रहे, अरे तुम देश को देखो, तुम देश के साथ खड़े रहो, महाराज सरकार के साथ खड़े रहो जो है, क्योंकि किसी का तो जातिवाद तो करना नहीं हमने को। पूजा करने के लिए कोई मना नहीं किया, तुम कोई कई लोग अपने अपने सोसाइटी में ये करके पौंड लगा के कर रहे पूजा, पूजा करने के लिए मना नहीं किया, भीड़ जमा करने के लिए मना किया, ये कर दिया। तो सर आपका एक क्वेश्चन था, अजमल कंधे से कंधा मिलाइए,
सोशल डिस्टेंसिंग का बोला जाता है कोरोना में पालन करने के लिए, तो क्या मस्जिद में जहां आपका जो नमाज हुआ वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ? हमारे मुफ्ती साहब का, हमारे मुफ्ती होते हैं, मुफ्ती का फैसला था, मुफ्ती का फैसला था कि पांचों टाइम की नमाज आदमी 7 महीने से बंद रखा था जी। तो जब नमाज बंद कर दिए, ईद की नमाज बंद कर दिए, बकरीद की बंद कर दिए, तो जब इतने लोग चीजों की पालन किए तो जाहिर सी बात है नमाज की डिस्टेंसिंग कम रखेंगे, जो हमारे मौलाना लोग का ऑर्डर था। तो मतलब ये सब सारी चीजें फॉलो जो जी होनी चाहिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, किसी को वहां पे कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं, जितने लोग थे खासकर जो बूढ़े लोग थे हमने पहले मना कर दिए थे, कुछ लोगों के पास मास्क नहीं था, हमारे वार्ड क्रमांक 33 के नगर सेवक वीरेंद्र भाई ने सबको मास्क दिया, क्योंकि नो मास्क नो अलाउड था मस्जिद के अंदर, लेकिन वीरेंद्र भाई ने मास्क देने की वजह से कितने लोगों की नमाज मिली और वो दुआ निकली सबके दिलों से, और ये हमारे असलम भाई ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर का हम लोग ने पालन किया, हमने गर्दी भी नहीं की, हमने भीड़ भी नहीं किया, भाई का जैसा ऑर्डर था हमने उस तरीके से किया, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को कुछ नहीं, अच्छे से नमाज पढ़ के निकल गए सब। तुमने जामा मस्जिद के जो ट्रस्टी अजमल भाई उनसे भी बात की कि मस्जिद में किस तरह से फॉलो किया गया? सर हमारे चैनल में आपका धन्यवाद, आपने हमारे चैनल से अपना कीमती समय आपने हमें दिया। शुक्रिया।